नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप पहुंचे हैं जोधपुर के प्रसिद्ध सिद्धनाथ महादेव जी मंदिर। तो देख रहे हो आप, वहां से जो गाड़ी की पार्किंग आपको दिख रही है, वहां आने के बाद आपको थोड़ा पैदल आना पड़ता है। वहां से लगाकर यहां तक इतनी सारी सीढ़ियां हैं और पूरी ऐसी जो आप देख रहे हो ऐसी प्रकार की सारी सीढ़ियां हैं, तो इनको चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अभी तो ये स्टार्ट किया है, यहां से अभी समझ लो 10% ही हुआ है, तो 90% पूरा इस प्रकार का मार्ग आएगा, उसको चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और देख लो इतनी हाई पे इस मंदिर की, जोधपुर का सिद्धनाथ महादेव मंदिर। तो आज वैसे मंगलवार है, सोमवार भी नहीं है, फिर भी लोग तो आए हैं दर्शन करने के लिए और सभी लोग जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ से एक रास्ता निकलता है, स्वामी नारायण जी का गुफा है उसकी तरफ, तो इधर से पूरा रास्ता निकलता है और पूरा पहाड़ों के बीच में जाता है। तो मंदिर तो अभी ऊपर है वहाँ पे, और ये रास्ता है गुफा का। तो पहले मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद अभी 5 बज गए हैं तो शायद टाइम मिला तो हम जाएंगे गुफा की तरफ, नहीं तो सीधा मंदिर के दर्शन करेंगे। इसलिए मैं आपको पहले यहाँ से बता देता हूँ कि गुफा का रास्ता जो किस प्रकार जाता है। तो ये पूरा सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं उसके बाद कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। तो ये पूरा रास्ता जाता है गुफा की तरफ, और वहाँ दूर तक आप देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ लड़के खड़े हुए हैं, तो वो जो मेरी उंगली है वहाँ पर गुफा है, उससे आगे भी है, उससे कायलाने का नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिखता है, मंदिर से भी बढ़िया दिखता है। और यहाँ पे इस प्रकार के कुछ गुफा वगैरह छोटी छोटी बनी हुई है, तो ये जहाँ पर स्वामी जी ने तपस्या की थी उसके बाद इस मंदिर में स्थापना की थी महादेव जी की, तो वो मंदिर है सिद्धनाथ जी का और यहाँ पर उन्हें उनकी गुफा। तो पहले हम चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। तो ये प्लेन रास्ता था वो भी समाप्त होने वाला है, उसके बाद वापस जो है इधर गौशाला है उसके साथ ही यहाँ पे वापस सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो वहाँ से मंदिर का रास्ता वापस प्रारंभ हो रहा है। बीच में इतना रेस्ट मिला हमें सीढ़ियों का, इतना रास्ता प्लेन था वो पार कर लिया, यहाँ पर भी रास्ता है और ये आने जाने दोनों यूज होता है, तो अब इस रास्ते से ही जाते हैं वापस हम ऊपर। तो कायलाना दिख रही है आपको पीछे, जोधपुर भी आपको ऊपर से बहुत ही बेहतरीन दिखेगा, अभी तो नहीं दिख रहा था। और ये है यहाँ का नज़ारा, तो आगे दिखाते हैं आपको मंदिर की स्थापना के बारे में, जो भी यहाँ के इतिहास है आगे ऊपर चलकर मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो अभी हम फाइनली यहाँ पहुँचे हैं मंदिर का जो मुख्य गेट है वहाँ पर, गौ माता के दर्शन भी हमें हो गए हैं मंदिर में। और ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, सीढ़ियाँ दिख रही है आपको वहाँ आखिर से लगाकर, ये पूरा मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। प्लेन रास्ता भी दिख रहा है आपको वो वाला, तो सीढ़ी वाला रास्ता है और नीचे में सीढ़ियाँ और थी, तो पूरा मैंने पार कर लिया है, ऊपर आया हूँ पांजलि में। जोधपुर का नज़ारा देख लिया आप पूरा, ये जोधपुर का नज़ारा, कायलाना भी दिख रही है आपको, और इसी के साथ मंदिर यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा। और यहाँ बंदर भी हैं खूब सारे, तो उनको भी हम देखते हैं अभी जाके। तो यहाँ पर देखिए आप है जोधपुरी बंदर, इनको जो है मालपुआ जोधपुर का जो होता है राजस्थान डिश खिलाई जा रही है। ये देखो सामने झपटा मार रहे हैं वापस खाने के बाद, ये लेके वापस फेंक रहे हैं, खा तो नहीं रहे। तो वहाँ पर पेड़ों के नीचे भी बैठे हैं आप देखिए तो, और अगर मैं इनके पास ज़्यादा जाऊँगा तो ये सारे एक साथ में आके मेरे ऊपर हमला कर देंगे, वह नहीं चाहता मैं वो ये हो, इसलिए इनसे दूर रहते हैं और फिर हम मंदिर पर फोकस करते हैं अभी। तो ये अपना मंदिर आ गया है फाइनली, और लोग देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो साधु संत है वो तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या इसलिए इसी कारण यहाँ चमड़े का जो भी सामान होता है वो यहाँ बाहर ही रखे जाते हैं, लोग अपने सारे बेल्ट हैं और देखे यहाँ पे उतार के उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं, जूते चप्पल वगैरह सारा यहाँ पे खोलने के बाद फाइनली यहाँ से मंदिर में एंट्री होती है। यहाँ पर समाधि बनी हुई है महात्मा जी की, अंदर जाना मना है, अंदर वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है तो हम नहीं ले रहे हैं। और ये पूरा देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है, और जोधपुरी पत्थर का इसमें पूरा इस्तेमाल हुआ है, आप देखेंगे तो इसके ऊपर राम राम लिखा हुआ, पूरे देखेंगे तो पूरा आपको राम राम लिखा हुआ, और काफ़ी अच्छी तरह से की गई नक्काशी आपको दिखाई देगी। ये है मुख्य पुजारी जी नेपाली बाबा जी, उनका ये यहाँ पर समाधि बनी हुई है,
इनकी कृपा से ही दोस्तों आज ये मंदिर हमें आज देखने को मिल रहा है। और कहा जाता है कि ये जब यहाँ पे तपस्या करते थे उस समय शेर का रूप धारण करके यहाँ पर विचरण करते थे रात को, और यहाँ पर भगवान शिव जी की आराधना करते थे। प्रांगण देखेंगे तो एक तो ये मंदिर है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे एक भगवान हनुमान जी का मंदिर है, इसके साथ में महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे। और मुख्य जो मंदिर है वो इस पहाड़ी के पीछे है। पहले यहाँ के दर्शन करेंगे उसके बाद चलेंगे पीछे। तो मैंने दर्शन कर लिए, उसके बाद मैं आपके लिए ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और ऊपर से जो नज़ारा यहाँ का फेमस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जाली लगी हुई है तो इसके अंदर से हम दिखाते हैं आपको ये पूरा नज़ारा जोधपुर का। और यहाँ पे ऋषि गिरिजी महाराज जी की समाधि है, और इनके लिए देखिए दोस्तों जो जैसलमेर का जो पत्थर है उससे इनकी जो है समाधि का निर्माण किया गया है। बाकी के लिए जोधपुर का ही पत्थर है, लेकिन इनके लिए जैसलमेर से थे इसलिए जो जैसलमेर का जो पीला पत्थर होता है उससे ही समाधि का पूरा निर्माण किया गया है। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, साथ में देखिए ओम स्वस्तिक, इससे पूरा ये मंदिर जो है राम नाम से पूरा बना हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ में ये महादेव जी का मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो लोगों ने जो है पत्थरों से जो घरों के निर्माण किए, ये आपको लगभग सभी मंदिर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हैं जो पत्थरों से मकान का निर्माण करते हैं, तो आपको दिखाते हैं जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस प्रकार के मकान का निर्माण करते हैं लोग। तो अभी हम मंदिर के पीछे की साइड आए हैं, और यहाँ पर है महादेव जी का मंदिर, आप ऊपर पढ़ सकते हैं सिद्धार्थ महादेव मंदिर जोधपुर। तो ये देखिए यहाँ पर है महादेव जी का मंदिर, प्राचीन सिद्धनाथ महादेव जी अब लिखा हुआ है, तो यहाँ से मंदिर की एंट्री होती है। तो अंदर हम चलते हैं। तो आज 15 अगस्त है इसलिए इसको काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है, और इसके साथ अभी हम कर रहे हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। तो इधर से हमारा जो मंदिर है वो प्रारंभ होता है। तो समझिए मंदिर की स्थापना के बारे में कोई जानकारी दीजिए ना, मंदिर कब स्थापित हुआ? तो ये है सिद्धनाथ महादेव जी, और ये प्राचीन शिवलिंग आप देख रहे हैं, और ये पत्थर से अपना आप निकला हुआ है, और आप देख रहे हैं तो इसके साथ में महादेव जी परमा जी स्थापित हैं और शिवलिंग है। और इसी के साथ में पीछे आप देखेंगे तो एक दूसरा है, तो यहाँ पर खूब सारे शिवलिंग आप देख रहे हैं, बहुत सारे शिवलिंग है। इसके साथ में यहाँ से जो है जब बरसात होती है उस समय यहाँ से अपने आप ही अभिषेक होता है, तो एक चोटी देख रहे हैं यहाँ से पानी रिसता है, और इसके बाद यहाँ नीचे आकर पीछे गुफा देख रहे हैं वहाँ से पानी वापस बाहर निकल जाता है। तो ये नेचुरली बना हुआ है महादेव जी का मंदिर, और एक शिवलिंग और दो शिवलिंग और तीन चार शिवलिंग जो है पूरे नेचुरल तरीके से बने हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर, आप देख रहे हैं तो ये हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर था शिव जी का मंदिर, और ये पूरा एक प्राचीन स्थान था, अभी तो इसका जो वापस निर्माण कर दिया गया है पूरा आप देख रहे हैं। तो ये नेपाली बाबा जी की तपस्या स्थली थी, वो यहाँ पर तपस्या करते थे, और जानकारी तो हमें नहीं प्राप्त हुई। हमने स्वामी जी से बात की तो उन्होंने कहा कि जानकारी फिर कभी दिन देंगे, आज क्या थोड़ी मंदिर में भीड़ है इसलिए जानकारी हमें नहीं मिली। तो ये मंदिर का पूरा पीछे का हिस्सा है, और एक छोटा सा यहाँ पर तालाब बना हुआ है, लेकिन अंदर काफ़ी गंदगी है, काई जमी हुई है, तो इसका यूज़ तो अभी नहीं होता है, लेकिन पहले के समय होता होगा शायद। और ये मंदिर था जिसके अभी हमने दर्शन कराया आपको, और अभी चलते हैं आगे वापस। तो यहाँ नीचे की तरफ एक गुफा है, उस गुफा का रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से, और नीचे की तरफ जाती हुई है, और सामने आप देख रहे हैं भोलेनाथ जी के दर्शन आपको भी हो रहे हैं। तो नीचे काफ़ी नीचे है गुफा, गुफा का मतलब एक कमरा बना हुआ है जिसके नीचे छोटी सी गुफा है, वहाँ पर बैठ कर महाराज जी तपस्या करते थे, तो उसके दर्शन यहाँ नीचे होते हैं। और नीचे की तरफ वापस पूरा जो पहाड़ी इलाका है वो आपको देखने को मिलता है, और उधर की साइड में एक भीमबड़क महादेव जी का मंदिर है, पूरा एयरपोर्ट एरिया है, तो वो भी हमने आपको एक वीडियो में बताया है, तो उसका लिंक मैं अभी दे रहा हूँ, तो उस लिंक से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये गुफा है यहाँ पर नीचे बनी हुई है।
तो अभी हम जा रहे हैं अभी गुफा के अंदर दर्शन करने के लिए। छोटी सी गुफा है, ज़्यादा बड़ी नहीं। और इसके नीचे पहले महाराज जी बैठकर तपस्या करते थे, तो ये छोटी सी गुफा बनी हुई है अभी, उसको दर्शन के हिसाब से वापस डेकोरेट किया गया है। तो जाली लगी हुई है, उसमें सामने आप देख सकते हैं महाराज जी की धुनी है, उसके दर्शन है। तो पहले उनकी तपस्या इसलिए रही थी, वो अभी उनकी यादें यहाँ पर है, इसी कारण इसको दर्शन के लिए बनाया गया है। ये पूरा दर्शन के लिए था। और ये नीचे का पूरा नज़ारा आप देखिए काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई दे रही होगी। और ये पूरा पहाड़ी है जहाँ पर उस मंदिर की स्थापना है, जो इस मंदिर को अभी हमने दर्शन किए हैं। तो ये पूरा इलाका है। तो अभी आप देख रहे हो ऊपर से कायलाना झील का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है। वहाँ पे कायलाना है और काफ़ी लंबी है कायलाना, तो यहाँ से थोड़ा सा ही पहाड़ दिख रहा है हमें, काफ़ी लंबी है यहाँ से। और पूरा ये पहाड़ी लगा है पूरा, आप देखेंगे तो पूरा एक पहाड़ पर बसा हुआ है। और यहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं है, सिर्फ एक मंदिर यहाँ पे है, उसके पीछे एक भीमबड़क महादेव मंदिर है और कायलाना का व्यू पॉइंट है। बाकी जो बस्ती है सारी आप देख रहे हैं, सारी जोधपुर पूरा वहाँ बसा हुआ है, यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है पूरा शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे एक और स्थान और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। हम आपको घुमाते रहेंगे इसी प्रकार के नए नए स्थान। बाय बाय।